टॉर्टिया एक तरह की रोटी है जो मेक्सिको में मक्की या मैदे से बनाई जाती है, जिनसे आप रैप्स, रोल्स और सॉफ्ट टाकोस बना सकते हैं। आज मैं तीन तरह से हेल्दी टॉर्टियाज बना रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्लासिक टॉर्टियाज बना रही हूँ, जिसके लिए एक बोल में एक कप चावल का आटा ले रही हूँ। उसमें एक चौथाई चम्मच नमक, एक चम्मच ऑलिव ऑयल, अगर ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कोई वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिला लेंगे और फिर जरूरत के हिसाब से गुनगुने पानी में गूंद लेंगे। और कुछ देर रेस्ट कराएंगे। अगला टॉर्टिया हम मोरिंगा लीव्स का बनाएंगे। मोरिंगा लीव्स बहुत ही हेल्दी होती हैं और इनसे टॉर्टिया बनाना एक बहुत ही आसान तरीका है मोरिंगा को अपनी डाइट में ऐड करने का। मोरिंगा टॉर्टिया बनाने के लिए हम लेंगे एक कप चावल का आटा, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चम्मच ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल और आधा कप बॉइल्ड और मैश्ड मोरिंगा लीव्स। इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिला लेंगे और फिर जरूरत के हिसाब से गुनगुने पानी में गूंद लेंगे और फिर कुछ देर रेस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट टॉर्टिया हम बीटरूट से बनाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे एक कप चावल का आटा, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चम्मच ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, आधा कप बीटरूट जिसे मैंने पहले से ही बॉयल और मैश कर रख लिया है, इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिला लेंगे और फिर जरूरत के हिसाब से गुनगुने पानी में गूंद लेंगे और कुछ देर रेस्ट कराएंगे। तीनों गूंदे हुए आटों को लगभग आधा घंटा रेस्ट करवाने के बाद हम इनसे टॉर्टिया बनाना शुरू करेंगे। गूंदे आटे से हम एक पेड़ा आटा लेंगे और बिल्कुल पतला पतला बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं उससे थोड़ा और पतला। अब तवा गरम कर लेंगे और टॉर्टिया उस पर ट्रांसफर कर लेंगे। तेज आंच पर टॉर्टिया कड़क हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे, इसलिए टॉर्टिया बनाते हुए आंच को हल्का रखें, टॉर्टिया बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। एक एक कर तीनों आटों से टॉर्टिया बना लेंगे और एक कपड़े में रख लेंगे ताकि हवा में वो सूख ना जाए। हेल्दी टॉर्टिया बनाना बहुत ही आसान है, आप इनसे बच्चों का लंच भी बना सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है बच्चों की डाइट में मोरिंगा और बीटरूट जैसे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने का।